What's up, OP gang? King Roku is back with the PUBG Mobile की प्यारी सी वीडियो लेकर। OP gang, हम उतर जाते हैं जॉर्ज पुल और हम खेल रहे थे डुअल वर्सेस स्क्वाड। तो उतरते ही मुझे दिख जाता है एक सामने चोमू सा बंदा। ओ भाई क्या ही मारता भाई ये बंदा मुझे भाई। VSS भाई सही गन है भाई, मतलब 4x सप्रेसर इसमें भाई तुम्हें पहले से ही मिलेगा। मतलब जो तुम और गन में जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें पहले से ही मिलेगा। मतलब बात ऐसी ना ओपी गैंग कि इस गन की बात ही कुछ अलग है भाई। अपना भाई टीममेट एक और बंदे को ठिला देता है वहां पे। तो भाई ड्रिंक लगा देते हैं भाई और फिर चलते हैं आगे बंदों को ढूंढते हैं भाई। जॉर्ज पुल में भाई नहीं मिलती भाई, लूट ही नहीं मिलती भाई यहाँ पे भाई। तुम्हें चोमो जैसे ही गन्ने मिलेगी भाई यहाँ पे, अगर तुम्हारी किस्मत सही हो तो तुम्हें। तो भाई हम यहाँ पे आ जाते हैं वेयर हाउस की तरफ। तो मुझे सामने दिख जाता है चोमो सा लड़का जिसे भाई मैं नॉक कर देता हूँ। एंड भाई मुझे तो भाई मुझे पता था भाई वो बंदे मेरा किल चोरी करेंगे, इसलिए हम अपना किल पहले से सिक्योर कर लेंगे। एंड सामने भाई अपना टीममेट एक बंदे को ठिला देता है, दूसरे को मैं ही ठिला देता हूँ। तो भाई आगे जाके ये 1v4 हो जाएगा ओपी गैंग। तो ओपी गैंग यहाँ पे हम कवर से जा रहे थे कि ऊपर से एक बंदा भाई क्या ही पकड़ करके मार देता भाई मेरे टीममेट को भाई। तो भाई यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना ओपी गैंग कि जो मेरा पार्टनर है वो मेरे मुंह के सामने उसकी क्रेट बन जाती है। मतलब सिचुएशन ही ऐसी आ गई थी भाई ओपी गैंग। मतलब मैं इसे यहाँ पे बुलाता हूँ यार देने के लिए, हम पीछे से एक भाई दूसरी स्क्वाड का बंदा आ जाता भाई मतलब वो भाग ही जाता भाई वो बंदा यहाँ पे। एंड जितने को भाई मैं अपने बंदे को रिवाइव करने के लिए जाता हूँ ना ओपी गैंग, मतलब भाई वो तो रो दिया भाई मुझे बचा ले। पर ओपी गैंग यहाँ पे सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। तो भाई इसके पास से उठाते हैं फिर M4 एंड इसका बदला तो हम लेंगे भाई उन बंदों से लेंगे और ज़रूर लेंगे बदला भाई। मतलब तुम हमारे किंग रोको के भाई टीम पार्टनर को मारा भाई तुमने, तो भाई बदला तो हम इनसे लेंगे। तो ये चोमो सा लड़की को तो हम पकड़ करके मार ही देते हैं भाई। एंड भाई चलते हैं फिर और उन बंदों की तरफ जिसकी वजह से मैं अपने बंदे को रिवाइव ही नहीं दे पाया। पर भाई मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कम थी भाई। एंड भाई मुझे वो दूसरा किल भी मिल जाता है भाई। मुझे तो भाई मेरा दिल बाग बाग हो गया ओपी गैंग, शुक्र शांति भाई सब कुछ मिल गया मुझे तो भाई। तो भाई ओपी गैंग देखते हैं भाई अब जॉर्ज पुल में कोई और बंदे बचे हैं तो उन्हें भी निपटाते हैं। तो ओपी गैंग मतलब मैं अब बंदों को पागलों की तरह यहाँ पे ढूंढता फिर रहा था। मतलब मैं चल रहा था फिर मुझे दिखता है एक कंटेनर पे बंदा जो भाई इसने भाई मुझे बहुत तंग किया भाई कार 98 पे शॉट दे के भाई इसने बहुत तंग किया था भाई। ओपी गैंग बिना अटैचमेंट के भाई बहुत मुश्किल हो रहा था मारना, पर भाई निपटा ही देते भाई इसने निपटा देते भाई इसे इजीली। अरे पता नहीं भाई ओपी गैंग ये मार किसको रहा था भाई, मैं तो उस बंदे को ढूंढने लग गया। वो भाई कहाँ था भाई ये देखो भाई कहाँ से लेके आया था भाई ये इतनी अच्छी लूट भाई, पता नहीं भाई कहाँ से ही लेके आया था भाई इतनी अच्छी लूट ये तो भाई। मैं तो खुश हो गया भाई इतनी अच्छी लूट कहाँ से लेके आओ भाई तुम।
क्या है लूट थी भाई तुम्हारे पास? तो भाई सामने मुझे एक और चौमस लड़का जीत जाता है, तो भाई कर देते हैं इससे भी खेल। मतलब लूट के लिए पागल ही हो रहा था भाई, मतलब जिसने यहाँ पे बंदे मारे भाई वो कुछ नहीं भाई, इन्हें तो भाई अब लूटना है बस। एंड एक और चौमस लड़का आ जाता है, मतलब भाई ये होते हैं 2KD के नूबड़े भाई, इन्हें ये नहीं है भाई यहाँ पे करेटे बनिए भाई, यहाँ से भाग जाओ, ये बंदे जाएंगे और करेटे लूटेंगे। अपना 2KD वाला दिमाग तो ये लगाएंगे ही, तो ओपी गैंग ऐसा मत करना। जॉर्ज पुल में भाई करेटे लूटने का कोई मतलब नहीं है भाई। तो ओपी गैंग जॉर्ज पुल में हो गए थे सारे के सारे बंदे साफ। तो हम आ जाते हैं हम धूम 3 किंग शूटिंग करने यहाँ पे, पर एक बंदा भाई पागल ही हो जाता भाई, मारने लग जाता है मुझे तो पीछे से। ओ भाई तुम मार दो मुझे। और भाई ये चोमोसा लड़का वो आर्किटिक्स चुड़ैल वाले कपड़े पहन रखे थे भाई इसने, तो पीरो प्लेयर हो तुम, पबजी के सुधामा समझ रहे हो खुद को बे। तो भाई ये बंदा मुझे दे देता है गाड़ी, और भाई इसकी पता नहीं कैसी भाई ग्लिच वाली गाड़ी होती है भाई, मुझे तो समझ नहीं आता भाई मैं इस गाड़ी को चलाऊं तो चलाऊं कैसे भाई, ये पता नहीं भाई। ऐसी तो मेरी ऑल्टो थी नहीं भाई, ऑल्टो 800 भाई मेरी ऐसी नहीं थी भाई, ऑल्टो 800 जैसी भाई ये गाड़ी चल रही थी भाई, ये तो पता नहीं भाई कैसी चल रही थी भाई, ये तो अगलिस्ट गाड़ी थी भाई ये। ये देखो मतलब ओपी गैंग ये देख रहे हो, ये क्या ही पागल जैसी गाड़ी बे, मतलब पता नहीं ये कौन से सस्ते नशे करके भाई ये गाड़ी इस बंदे ने खरीदी होगी भाई। इस गाड़ी को तो भाई 10 रुपये में भी ना खरीदे भाई कोई, पता नहीं भाई कैसी ग्रीच डीजी जैसी गाड़ी थी भाई ये। मतलब ओपी गैंग मजा ही नहीं आया भाई मुझे, तो ओपी गैंग मैं वापस जाने लगता हूँ भाई, मुझे मेरी बुलेट ही चाहिए भाई, ये तो ग्लिच जैसी गाड़ी है भाई, इससे नहीं नहीं हो पाएगा भाई मेरा गुजारा। पर मुझे क्या पता था ओपी गैंग कि वहाँ पे तो एक और चौमोसा लड़का मेरा इंतजार कर रहा होगा, और अभी अभी यहाँ पे ऐसी ही गाड़ी लेके आ जाता है सेम टू सेम, एकदम से आ जाता भाई ये चौमोसा लड़का। ओ मैं तो खुश हो गया, मेरे को नई ऑल्टो 800 मिल गई। तो ओपी गैंग हमने भी भाई देर ने की भाई, हमने भी अपनी ऑल्टो 800, ओ भाई इसमें तो भाई फ्यूल ही नहीं है भाई, मतलब तुम पेट्रोल का भाई खर्चा बहुत बढ़ गया भाई, पेट्रोल का दाम भाई बहुत महंगा हो चुका है पेट्रोल। तो भाई ये बंदा तो पेट्रोल ढूंढने आया था यहाँ पे, अब मुझे पता लगा। मतलब भाई तुम यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हो भाई, पेट्रोल? पेट्रोल पंप जाओ ना भाई, घर में कहाँ मिलेगा भाई तुम पेट्रोल, ना मतलब मजाक चल रहा है भाई। मुझे सामने दिखता है डीरॉप ना ओपी गैंग, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ड्रॉप आए और हम ना आए। मतलब एक टाइम को सब टीवी पर तारक मेहता ना आए, पर किंग रोको तो भाई ड्रॉप के ऊपर आएगा ही आएगा, मतलब जहाँ पे ड्रॉप गिरेगा। तो भाई ड्रॉप लूट के चलते हैं फिर बंदों की तरफ, पीछे से एक चौमोसा लड़का आ जाता भाई, मतलब वो क्या ही कर रहा था मुझे तो भाई समझ ही नहीं आया। तो भाई इसे भी हम पकड़ करके मारते हैं, एंड ऊपर भाई एक और चौमोसा लड़का होता भाई, इसे हम जिसकी हम हेडशॉट मारने की कोशिश करते हैं। भाई मैं भी यहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहा था ओपी गैंग, क्योंकि उसके पास भाई DP थी भाई, एंड DP भी भाई स्नाइपर से कम नहीं है भाई, मतलब तुम DP जो है ना भाई उसकी बात ही कुछ अलग है भाई, मतलब मोटर भैया की फेवरेट गन ऐसे ही नहीं है भाई, DP बहुत बुरी गन है भाई DP तो। एंड ये पता नहीं क्या भाई मैं ऊपर ही नहीं चढ़ पा रहा था भाई,
मैं तो उस बंदे से फाइट लेने जा रहा था ओपी गैंग, पर भाई मैं ऊपर ही नहीं चढ़ पा रहा था। तो भाई मैंने सोचा भाई मैं नहीं चढ़ूंगा भाई ऊपर, भाई मैं तो जा रहा भाई यहाँ से, भाई मैं तो गलती से चढ़ गया भाई ऊपर, मैं नहीं चढ़ूंगा भाई ऊपर। भाई मतलब माउंट एवरेस्ट ही बना दिया भाई इसे तो, एंड भाई रिस्क नहीं लेंगे ओपी गैंग, लास्ट जोन है भाई ओपी गैंग, तो स्मोक करेंगे गाड़ी के ऊपर। भाई किसी ने एम लगाया होगा और मुझे टपका देगा, इसीलिए भाई पहले स्मोक करते हैं गाड़ी के ऊपर एंड फिर ढूंढते हैं बंदों को। एंड जो ऊपर रिज वाला पहाड़ी पे था ना भाई ओपी गैंग, उसे भी हम पकड़ करके मारने ही वाले हैं अभी, वो भी क्योंकि जोन आ रहा है तो वो भी आएगा। एंड इस गाड़ी की तो बहुत बुरी हालत थी ओपी गैंग, मतलब एंड वो यहाँ आके वो पहाड़ी वाला बन जाता है गुटका धारी नागिन 2KD का नूबड़ा, एंड उसे मैं क्या ही हिट देता हूँ, क्या ही हिट देता हूँ ओपी गैंग। तो भाई मेरा तो भाई कॉन्फिडेंस एकदम नेक्स्ट लेवल पे चल गया भाई, इतना हिट दिया भाई उसे मैंने, ओ भाई मैं तो पागल हो गया भाई, कहीं से डस ना दे भाई मुझे वो गुटका धारी नागिन। भाई कहाँ दिख था भाई वो, एक तो भाई एकदम से दिख गया भाई मुझे। तो ओपी गैंग अब बचे थे सिर्फ दो बंदे, जिनसे भाई मुझे फाइट लेने दिया। ये देख रही हो ये नेक्स्ट लेवल के नशे, हर कहीं पे भाई गुटका धारी नागिन बन जाते भाई ये बंदे। मैं मतलब अगर तुम अपनी जिंदगी से परेशान हो भाई, घर वाले से परेशान हो, तो भाई तुम क्या पबजी में आके भाई हमें परेशान कर दोगे भाई। नहीं मतलब हम इतने किल ले, हम 12-15 किल ले एंड तुम 1-2 किल लेकर चिकन डिनर कर दोगे, मतलब ये कैसी बात हुई भाई, ये भी गुटका धारी में नागिन बनना था भाई। तो थैंक यू सो मच ओपी गैंग, आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।